अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ख्वातीनों हज़रात जिनको मसला है बालों के गिरने का, और जी बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं और दोबारा से हमारे जो बालों की ग्रोथ नहीं होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लड़कियों को होता है कि जी हमारे बाल लंबे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लंबे भी होने चाहिए और अच्छे भी होने चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद, इनके बेबी होने के बाद भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और दोबारा से हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती उस तरह से, और बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उनके लिए आज जो है मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर मास्क लेकर आई हूँ। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, मैं आप लोगों को बताना सिखाऊंगी कि कैसे ये मास्क जो है, हेयर मास्क मैं खुद अपने बालों पे यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा वो चीज़ बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा होता है, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊँगी, ठीक है। जिस चीज़ से नुकसान है मैं कभी नहीं चाहूँगी, या बस एक वीडियो बनाने के लिए मुझे इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। जो चीज़ फ़ायदेमंद है, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों तक वो हर फ़ायदेमंद चीज़ पहुँचाऊँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मास्क बनाएंगे, उसके बाद जो है मैं उसको अपने बालों में अप्लाई भी करूँगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। अच्छा जी, तो मास्क बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है भिंडी और चावल, दो चीज़ें लेनी हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चावल जो है 2 चाय के चम्मच मैंने लिए थे, इनको सारी रात जो है भिगो के मैंने रख दिया था, और इसका जो पानी है वो हम लेंगे, तकरीबन 1 प्लेट छोटी वाली मैंने ली है मेरे बालों की लेंथ के हिसाब से। अगर आपके बालों की लेंथ जो है थोड़ी शॉर्ट है, आप कम भी ले सकते हैं, नहीं तो जितनी ज़्यादा होगी भिंडी इसका जल उतना ही ज़्यादा हमें चाहिए निकलेगा, अच्छा सा जल इसका निकलेगा। हमने ले लेना है एक सिल्वर का पैन, उसमें जो है ये भिंडी ये ऐड कर दूंगी मैं, बड़े वाला मग है तो वो एक काफ़ी है, जो है हम अब कवर करके रख देंगे और तब तक इसका वेट करेंगे जब तक इसका पानी थोड़ा सा कम ना रह जाए। अच्छा जी, तो पानी जो है वो हो चुका है ड्राई, बस पानी जो है हमने ज़्यादा नहीं रखना है इसके अंदर। चूल्हे को हमने कर देना है बंद और फ़ौरन से ही हम इसको जो है स्टेन कर लेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए हमने गरम गरम को जल्दी से स्टेन कर लेना है। राइस वाटर ऐड करने के बाद जो है इसमें हमने इसमें कुछ नहीं डालना एक्स्ट्रा, हमने इसमें ना कोई कैप्सूल वगैरह ऐड करने हैं, हमने इसमें कुछ भी बहुत सिंपल इजी सी चीज़ क्या करूँगी, इसको डालूँगी स्प्रे बॉटल में। ये मेरा बन गया है वीक में 3 दफ़ा के लिए, ठीक है। ये मैंने इतना सा मास्क जो है वीक में 3 दफ़ा आराम से मेरा ये चल जाएगा। इसको आपने फ्रिज में रख लेना है, अभी मैं इसको स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी। आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है, आप इसको ऐसे ही रख लें, ऊपर से अच्छी तरह कवर कर लें किसी भी शॉपर से या किसी भी शीट से कवर करके, आपने इसको रख देना है फ्रिज में। बॉटल में जो है ये डालने के बाद इसमें मैंने ये जो है 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है, ठीक है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी जो भी आप यूज़ करते हैं, ये नहीं कि कोई स्पेशल हमें ऑयल चाहिए इसके अंदर, जो भी आपको सही लग रहा है कि अच्छा जो घर में इजीली अवेलेबल है, सरसों का है, बादाम का है, नारियल का है, कुछ भी है, आप वो ऑयल लेके इसके अंदर ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जो है वो कर लिया था, अब इसको जो है जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं सर में। मुझे ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा ईजी लगता है कि स्प्रे करके फिंगर की मदद से, आपने इसको ऐसे 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 नहीं रगड़ना, ये चीज़ बहुत गलत होती है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ कि आपने जो है अपने बालों को जब भी कोई ऑयल लगाएं या कोई भी चीज़ लगाएं, उनको उसको ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना कि हमारी स्किन में अच्छी तरह जल बुझे, नहीं, आपने ऐसे बिल्कुल हथेली के साथ उसको नहीं रगड़ना, इससे हमारे बाल और ज़्यादा टूटते हैं। आपने सिर्फ हल्के हाथ से फिंगर की मदद से इसको इस तरह से करते जाना, ठीक है। बाकी अब हम सारा इसको अपने सर में थोड़ा थोड़ा हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगाना है इसको अपने बालों में, बस हल्के हल्का हल्का जिस तरह हम ऑयल लगाते हैं इस तरह से हमने अपने बालों में इसको लगा लेना। आप चाहे हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ की मदद से भी जैसे हाथ पर डाल के अच्छी तरह से लगा लिया, स्प्रे की मदद से होता है कि अच्छी तरह सारे बालों पर लग जाता है। अगर आप किसी से लगवा रहे हैं तो फिर हाथ की मदद से लगवा लें, अगर आप खुद लगा रहे हैं तो स्प्रे किसी भी खाली स्प्रे बॉटल में, कितनी हमारी पड़ी होती है स्प्रे बॉटल, रोज़ वाटर की जो होती है हमारी खाली स्प्रे बॉटल होती है वो। हाँ जी, तो बाल जो है मैंने अपने कर लिए हैं वॉश, उनको ड्राई करके, और जो है मैंने वीडियो को कर लिया है स्टार्ट,
और मैं आ गई हूँ आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाने। वो वॉश करने के बाद बालों का रिजल्ट होता है ना, कमाल होता है। तो ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज से मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूर से देखें आप, इसकी शाइन नजर आ रही है बालों की। अभी जो है मैंने कुछ नहीं किया अपने बालों में, ना कुछ फेक दिखाने के लिए मैंने नहीं किया कि अपने बालों को स्ट्रेट करके और जो है मैं अच्छी तरह से वो आप लोगों को शो करूँ कि जी ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, तरह तरह के। मुझे फेक वीडियो नहीं बनानी अपनी बिल्कुल भी, इसलिए जो है मैं बिल्कुल जैसा है मेरा सब कुछ, जैसे मेरे बाल हैं रियल में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसका ये है कि आप जब इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे, बाल वॉश करने के बाद जब वीक में आप इसको 3 दफ़ा अप्लाई करेंगे, अगर आप जल्दी चाहते हैं आपके बालों की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, तो वीक में 3 दफ़ा इसको आपने लाजमी लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। अपने बालों में बेबी पैदा होने के बाद जो है मेरे इतने ज़्यादा बाल टूटे कि मैं बिल्कुल आगे से गंजी हो गई थी, मतलब इतने मेरे बाल टूटने लग गए थे। मैंने लगातार ये वाला मास्क यूज़ किया है। उसके अलावा बालों की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हर टाइम नहाने से पहले जो है अपने बालों पर हेयर ऑयल, अच्छा कोई भी अच्छा सा हेयर ऑयल लाजमी यूज़ करें, ठीक है। नहाने से पहले अपने बालों में 1 दफ़ा लाजमी हेयर कॉम्ब करें या हेयर ब्रश करें, कुछ भी जो भी है कोशिश करें कि वुडन ब्रश या वुडन कॉम्ब यूज़ करें। नहीं है तो प्लीज़ जो नॉर्मल आपका जो घर का ब्रश है या हेयर कॉम्ब है, उससे आप अपने बालों को लाजमी ब्रश करें। उससे क्या होगा, हमारे बालों की होगी ब्लड सर्कुलेशन और हमारे बाल टूटना कम हो जाएंगे। फ़ायदे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जितने बताए जाएँ उतने कम हैं। बस ये है कि जो मेन चीज़ें हैं इनकी, इस मास्क को बनाने की, वो ये है कि बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल टूटना बंद होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं और नेचुरल तौर पे स्ट्रेट होते हैं बाल। जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं वो इतने ज़्यादा जल्दी तो ठीक होंगे नेचुरल तौर पे, बस हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि 1 दफ़ा लगाने से, 2 दफ़ा लगाने से आपके बाल स्ट्रेट होंगे, बट आपको ये मेरी गारंटी है कि पहली दफ़ा लगाने से ही फ़र्क फील होगा अपने बालों में। आपके बाल आपको सॉफ्ट फील होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्दी हेल्दी से फील होंगे पहली दफ़ा में लगाने से। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाया करूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज का ये जो हेयर मास्क है आप लोगों को कैसा लगा है। और प्लीज़ आप लोगों ने इसको अगर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद अगर आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इसके रिजल्ट्स कैसे लगे, अच्छे लगे या गंदे लगे। गंदे भी लगे तो भी बता देना, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाजमी प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को साथ ही क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।